नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ अंजू जी हैं जो 20 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। जानते हैं इनसे इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा के साथ। अंजू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 20 सालों से आ रही हैं डेरा सच्चा सौदा। हां जी, 20 साल। कितना विश्वास करते हैं गुरु जी के? तो विश्वास तो बस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने सतगुरु पर ही करते हैं, और किसी पर करते ही नहीं विश्वास। क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप गुरु जी के ऊपर विश्वास करते हैं? ज़िंदगी में मेरे को खुद, मेरे शरीर में मेरे को 2-3 बीमारियां ऐसी थी। एक तो मेरा ये आधा हिस्सा है ना, जो ये मेरा बिल्कुल सुन हो जाता था। शादी से पहले मैंने नाम लिया, नाम लेने के बाद ये बीमारी मेरी ख़त्म होगी। दूसरा, मेरी आँख में प्रॉब्लम आ गई थी, एक आँख से मेरे को धुंधला दिखाई देने लग गया था। फिर मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल में मैं 2-3 बार आई, बीमारी का प्रसाद लिया, तो वो मेरे को, अब मेरे को ये भी याद नहीं कि मेरी कौन सी आँख थी, वो किस आँख से मेरे को धुंधला दिख रहा था, मेरे को याद ही नहीं है बिल्कुल बीमारी का प्रसाद लेने से। और बहुत छोटे छोटे बहुत ऐसे चमत्कार हैं। ये आपकी आस्था विश्वास है? हाँ जी। जो दूसरी तरफ हम बात करें समाज के लिए, लोगों के लिए, गुरु जी का क्या योगदान रहा है? गुरु जी का ब्लड डोनेट करते हैं सब, ये हमारे को गुरु जी ने सिखाया है। पौधारोपण गुरु जी ने सिखाया है। लड़कियों की इज्जत करना गुरु जी ने सिखाया है। समाज में रहते हुए सेवा कार्य, मानवता भलाई के जो 133 कार्य है, ये सारे सतगुरु ने ही सिखाए हैं। उन्होंने ही सिखाया जब भी इस रास्ते पर चल पाए हैं। नहीं, और दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं भाई जो ये सब बातें बताए भाई, मानवता भलाई क्या होती है क्या नहीं होती है। हमें तो इसी दर पे आके पता चला। और क्या समाज को फ़ायदा मिला है मैम? बहुत फ़ायदा है जी, बहुत फ़ायदा है समाज को। जो दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? वो तो सब झूठ है। देखो, अब गुरुजी नशा छुड़वाते थे वेश्यावृत्ति से, जो ये ड्रग माफिया हैं इनको जो पैसा मिलता था, इनकी कमाई बंद होगी तो उनको तो दर्द होएगा ना। उन्होंने अपना एकजुट होके अपना कर बिठा दिया पिताजी को वहाँ पे ले जाके। मैम, उनकी कमाई के धंधे सब बंद हो गए। 4 साल होने वाले हैं अब गुरु जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? प्रभाव तो आप देख लो, डेरे से बाहर जाके देख लो, कहीं कोरोना फैल रहा है, कहीं कितनी दुनिया अब कोरोना में ही ख़त्म होगी, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रही है, उलट पलट हो रहा है बाहर सब कुछ। जरूरत के जाने से बहुत ज़रूरत है सतगुरु जी की, बहुत ज़रूरत है। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे? सरकार से यही अपील है बस, हमारे सतगुरु को जल्दी से जल्दी देह रूप में अपना बाहर लेके आए, यही अपील है। आपको कितनी की याद आती है? हाँ जी, आपको कितनी याद आती है? याद तो बस वो तो क्या बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपील की जा रही है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी समाज में वापस आएं। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।